ये है आज सुबह का ब्रेकफास्ट, चना दाल साथ में पराठा। तो ये है कौस्तुभ का, क्योंकि मैं सुबह सुबह पराठा नहीं खाती हूँ, मैं रोटी खाती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। ये ब्लॉग पूरा दिखेगा एंड तक, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप हमारे ब्लॉग आपको अच्छा। और कौस्तुभ मेरा मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि उसको लगता है हमारे सब्सक्राइबर्स कम हैं। हे गाइस, तो नहा के मैं हो चुकी हूँ तैयार। सामने जो भी ड्रेस था वो पहन लिया, यही वाला होता है मोस्टली। तो चलिए अभी चलते हैं मंथली राशन खरीदने के लिए, जो भी ग्रॉसरीज होता है। तो आज है 4th of July, तो इसलिए आज खरीदना है। लास्ट टाइम 4th June को खरीदा था। तो आज हम लोग नई जगह जाएंगे, जियो मार्ट। तो जियो मार्ट में देखेंगे कितना सस्ता और क्या क्या कैसा मिलता है। तो मम्मी लोग वहीं से करते हैं, तो आज मैं और कौस्तुभ जाएंगे वहाँ पे। तो कौस्तुभ बाहर है, तो चलते हैं। और इनको देख लो, यहाँ सोए रहते हैं। अच्छी जगह मिली है इतनी बड़ी सी सोने की। घूमे यार, कोई जाएगा पाई नहीं, माज एकदम मिडिल है। ये ब्राउनी हो चुकी है पागल। আর খেলবো না আমরা, বলো বিয়ার টায়ার্ড না। हुए गए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मंथली ग्रोसरीज का शॉपिंग करने के लिए। तो ये है पार्किंग एरिया जियो मार्ट का। तो काफी अच्छा है और बड़ा भी है, इतना बड़ा बिल्डिंग है। मैं पहली बार आई हूँ, बहुत ह्यूज है और बड़ी बड़ी गाड़ी जो भी है आ सकती है। स्पेशियस है एंट्रेंस जियो स्मार्ट बाजार। ये नहीं है, नहीं की ह्यूज रे, की ह्यूज मन हो एक दिन लग बेटा पूरे घूमते। ये है बिलिंग काउंटर। ओ तो लिस्ट आ चुका मत जाना। नेक्स्ट व्हाट वी नीड है एक पैकेट तो रोए। আর কাজু কাজু আপনার গ্রিন পিস। ये है एकदम ही के तो वो जो तो हम लोग का सब कुछ खरीदना हो चुका है और अभी सब कुछ बैग में डाल रहे हैं। तो ये डाल के सब लेके जाएंगे अपने बैग में। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे और हम लोग का सारा शॉपिंग वगैरह हो चुका है। भूख इतनी लगी है, घर जाके करेंगे लंच। ये जियो मार्ट था काफ़ी अच्छा, अब से हम यहीं पे शॉपिंग किया करेंगे। इतना बड़ा सा स्पेशियस स्मार्ट बाजार। बैग
तो हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी जस्ट लंच करके मैं ऊपर आई और अभी फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, सम 3% है, तो फ़ोन को चार्ज लगा के थोड़ा सोऊंगी क्योंकि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है और कौस्तुभ गया है बाहर ट्यूशंस। तो चलिए आप लोगों से शाम को मिलूंगी जब घर उस घर पे जाऊंगी। तो आ गई हूँ मैं घर पे और शाम के 5 बजे हैं, चलते हैं अंदर। तो हमारा कढ़ी चावल डिनर हो चुका है, तो आज सिंपल डिनर था, जल्दी जल्दी खा लिया। हम लोग तो अर्ली डिनर करते हैं, 6 बजे के बाद हम लोग खा लेते हैं, जैसे कि 7-7.30 बजे तक हम लोग का डिनर हो जाता है। आप लोग भी ट्राई करके देखो, लग सकता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, रात को भूख लगेगा लेकिन कुछ दिन लगता है, बट ये बहुत अच्छा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है और वो इतना मतलब इफेक्टिव हो जाता है, आपको खुद इतना लाइट, इतना एनर्जेटिक नेक्स्ट डे फील होगा। हो सकता है वेट लॉस ये सब, लेकिन अगर आप कैलोरीज अच्छे से खाओ या फिर जितना कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए वो सब करो, तो हो सकता है ना हो। मेरा तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं कम ही खाती हूँ। चाय और दाल, लंच रेडी। तो लंच हो गया है एकदम तैयार। तो सुबह के बजे हैं अभी 10:30 बज गए हैं, मैं सोच रही थी 9:30 बजे। तो हम लोग का सारा काम हो चुका है, मैंने आज पनीर बनाया, माँ ने बनाई दाल और राइस, सब बस यही है लंच। तो कौस्तुभ भी कर रहा है वर्कआउट और मेरे को थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा है, तो आज मैं योगा नहीं करूँगी और अभी जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। आज माँ की तो एक पूजा है, तो माँ आफ्टरनून से बिज़ी है, चली जाएगी मंदिर, तो रात को ही पूजा वूजा फिनिश करके माँ आएगी। तो मैं हो चुकी हूँ नहा के फ्रेश और एकदम मतलब अच्छा लग रहा है फ्रेश होके सुबह से। एक्चुअली मेरे को ना सुबह उठ के नहाने का बहुत मतलब आदत भी है और अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से लेट हो जा रहा है, लेकिन फिर से मैं ट्रैक पे आ जाऊँगी। फिर से सोच रही हूँ सुबह उठ के ही सबसे पहले नहाऊँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मेरे को सारा काम करके नहाने में थोड़ा वियर्ड सा लगता है, क्योंकि वैसे ही बचपन से आदत बनी हुई है ना। तो फिलहाल आज क्या क्या प्लान्स है, अभी तो कुछ प्लान हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो देखते हैं। शाम को सोच रही हूँ अगर कौस्तुभ फ्री होगा तो फिर जाएंगे थोड़ा बाहर स्कूटी राइड पे और साथ में कुछ खा पी के आएंगे, तो वैसा कुछ प्लान है, बट लेट्स सी होता है कि नहीं, अगर वो फ्री नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। तो फिलहाल कल हम लोग मंथली जो ग्रॉसरीज लेने गए थे वहाँ पे जियो मार्ट गए थे सबसे पहली बार, तो वो काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी है। मैं मतलब आप लोग को कुछ कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी जो मैंने शूट किया था, और कल फिर वैसा कुछ तो ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था मतलब एज सच, तो वही वाला है वो आप देखिएगा, बहुत अच्छा था और बहुत सस्ते में भी मिला हम लोग को। फिर मैं इसको अपलोड करूँगी, अभी नहीं, पहले खा के आते हैं फिर ही अपलोड करेंगे, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा थंबनेल डिज़ाइन वगैरह सब करने में। तो माँ अभी तक है, गई नहीं है, मुझे लगा माँ चली गई होंगी, पर माँ इज स्टिल हियर डूइंग समथिंग समथिंग है। भात के टेस्ट तो आज है राइस, दाल, वो प्राइम भाजले होते। तो अभी 5 बज गए हैं और जा रही हूँ घर पे, देखती हूँ सब क्या कर रहे हैं। बड़ी मम्मी का तो अर्बन कंपनी से फेशियल बुक किया था, तो मम्मी शायद फेशियल ही करवा रही होगी, तो आज ऐसा ड्रेस पहनी हूँ क्योंकि सोचा था बाहर जाएंगे, बट कौस्तुभ का हो रहा है बैक पेन, तो बाहर जाना अभी कैंसिल फिलहाल, लेकिन अच्छा ड्रेस पहनी हूँ तो अच्छा लग रहा है, तो अभी इसमें चेंज नहीं की। तो चलिए चलते ही हैं और देखते हैं क्या हो रहा है उस घर में और ब्राउनी क्या कर रही है, और बाहर जाएंगे। आज तो वैसे फ्राइडे है, तो कल सैटरडे है, संडे है, तो जा सकते हैं बाहर। तो घर पे आते ही ब्राउनी के नाटक कि उसको बिस्किट ऐसे खिलाने पड़ते हैं छोटे छोटे करके, नहीं तो उसको खाना नहीं आता है खुद से।
বলে কুকুরদের এই হ্যাবিট না করাতে খাওয়ানোর, তাহলে ওরা কখনোই ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে না। বাট আমাদের সবকটাই এরকম বিগড়ায়। কেননা ডগস নু আয় আপনি আত্মা খাওয়ানা নি চাই শুরুতে, না তো আদত বিগড় যায়। अब तो गई। तो आ गई हूँ लेके मैं अपनी चाय साथ में। ओ बिस्किट, आई थॉट मैं गलत बिस्किट ले आई, पर फिर अच्छे से देखा कि सही है। हम लोग का बिस्किट का डब्बा थोड़ा पुराना हो चुका है, इसको अपडेट करना पड़ेगा। दांत दिखाओ, पूछी दांत दिखाओ, दिखा दो दांत, दांत दिखा दो। तो अभी हम लोग आए थे चाउमीन लेने के लिए, मतलब नूडल्स। तो एक्चुअली घर पे बनाने चाहिए, बट आज मन नहीं कर रहा था तो इसलिए बाहर से लेके आए और घर जाके अभी खाएंगे। रास्ते में मुझे ऐसे खड़े रह के खाना नहीं आता है, तो इसलिए मैं घर जाके आराम से प्लेट में सजा के खाऊंगी और वही होगा हमारा डिनर आज, क्योंकि डिनर हम लोग अर्ली डिनर करते हैं तो वही डिनर करेंगे। हमारा नूडल्स बाकी इतना बच गया है, हमेशा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है हम लोग का। तो जस्ट अभी हम लोग घर पे आए और फीस्ट लेके आई हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, बहुत सारे खाने के क्रेविंग्स हो रहे हैं तो वही सब पूरे किए जा रहे हैं अभी कुछ दिन, फिर हम नहीं खाएंगे, फिर से नॉर्मल हेल्दी डाइट। ये कभी कभी हो जाता है ऐसा।